घेराबंदी की गई है। जरिया चोर रवि नागर की तलाश तेज। नोएडा दिल्ली समेत कई राज्यों में छापेमारी और गैंग में लेडी टॉन का नाम सामने आया। लेडी टॉन काजल झा का किरदार भी सामने आया और काजल झा संभालती थी रवि का काला साम्राज्य। गैंग में दो महिला गैंगस्टर थी सक्रिय। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही उसके मुताबिक और बुधवार की अगर बात करें तो बीते दिन 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी। लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और करीबियों पर छापेमारी में 15 करोड़ का स्क्रैप बरामद किया गया था। खबर पर सारा जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े। अमित, अभी एक नया ट्विस्ट जो है वो देखने को मिला लेडी डॉन को लेकर, ये नई कहानी सामने आई है। ये लेडी डॉन कौन है और रवि खाना से इसकी मुलाकात कैसे हुई, क्या कहानी है, जरा वो दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे रवि खन्ना के साम्राज्य पर जांच जारी है, गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, उसके बाद एक के बाद एक खुलासे लगातार सामने हो रहे हैं। जिस तरीके से छापेमारी करते हुए कल रात पुलिस ने जो 100 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति है उसको सीज किया था, उसके पहले की इन्वेस्टिगेशन जो थी उसमें काजल झा का नाम सामने आया था और रवि खन्ना की पत्नी का नाम सामने आया था। यानी इन दो महिलाओं की गैंग के अंदर बाखूबी हर चीज पर नजर होती थी और कितना टेंडर किस कंपनी से लिया जाना है, कितना पैसा कहां पर देना है, जिन को से सरिया चोरी किया जाता था उनके ड्राइवरों के फोन कॉल नंबर जो है वो तक इनके पास हुआ करते थे और गैंग को पूरी तरीके से ऑपरेट करने में इनकी अहम भूमिका हुआ करती थी, जो पुलिस की जांच में अभी तक निकल कर आया। काजल झा की बात की जाए तो दिल्ली के रहने वाली है और तकरीबन 10 साल पहले वो रवि नागर के संपर्क में आई थी और उसके बाद उसकी सेक्रेटरी के तौर पर उसकी कंपनी ज्वाइन की और फिर पूरे साम्राज्य को उसने संभाला। रवि बाहर लोगों से मिलने के काम देखा करता था, लेकिन जिस जगह की तस्वीर हमने दिखाई थी कल छापेमारी के दौरान, उस जगह पर बैठकर पूरे दफ्तर का संचालन काजल झा किया करती थी, ऐसा पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है और काजल को लेकर भी पुलिस की छापेमारी जारी है। काजल के घर पर दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और उसके अलावा उसके रिश्तेदार जहां जहां वो हो सकती है तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। दूसरी तरफ रवि खन्ना की बात की जाए या उसकी पत्नी की बात की जाए, वो भी सभी फरार है। कुल 16 आरोपी इसमें गैंगस्टर की धारा के तहत पुलिस ने बनाए हैं। सभी 16 आरोपियों में से अभी 4 आरोपी तो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन जो अहम किरदार है उसमें काजल की बात करें या रवि की पत्नी की बात करें या रवि की बात कर लें, ये तीनों लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। अंदेशा ये भी है कि नेपाल के रास्ते दुबई भाग जाने की फिराक में ये लोग हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तमाम स्तर पर नाकाबंदी की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ इनके जो मोबाइल हैं उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, किन किन लोगों के ये संपर्क में थे उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। और बीती रात भी कई जगह छापेमारी की गई, कल दिनभर कई जगह छापेमारी की गई। अब इनकी 100 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में इस बात की तस्दीक पुलिस कर रही है कि इनके नाम पर और कहां कहां कितनी प्रॉपर्टी है जो इस काले साम्राज्य के बलबूते इन्होंने कमाई है। तो तमाम संपत्ति, जिस तरीके से 100 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है, उस तरीके से अभी तक अपराध के रास्ते से संगठित गिरोह चलाकर जो भी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है उस पर बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में देखी जाएगी। काफी संपत्ति ऐसी है जिसको पुलिस, यानी कि अगर कहा जाए तो पुलिस जो है कार्रवाई कर रही, लगातार संपत्ति को चिन्हित करने की कोशिश कर रही है और आगे की कार्रवाई देखने को मिली। जरा ये बताएं कि रवि और रवि की पत्नी और जो लेडी डॉन का नाम सामने आ रहा है, क्या उसे लेकर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है, उसकी धरपकड़ को लेकर पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, देखिए ये तीनों अहम किरदार इस पूरे केस में माने जा रहे हैं, चाहे रवि की पत्नी की बात कर लें या काजल झा की बात कर लें या रवि की बात कर लें, तीनों अहम किरदार हैं और सारे लेखा जोखा इस पूरे साम्राज्य के संचालन में इन तीनों की अहम भूमिका हुआ करती थी। पैसे के लेन देन से लेकर कंपनियों से टेंडर छीनना और सरिया चोरी करने का एक एक लेखा जोखा इन तीनों लोगों के पास हुआ करता था। रवि की गैरहाजिरी में उसकी पत्नी और काजल झा इस साम्राज्य को संभाला करती थी। तो तीनों की गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण है और इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है, दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में रात भर पुलिस ने छापेमारी की है। 5 टीमों का गठन किया गया है जो सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस सुनिश्चित करना चाहती है कि इनकी गिरफ्तारी होने के बाद कई और नाम भी सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पिछले एक दशक से इस सरिये के काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। कई ब्यूरोक्रेट्स, कई सफेदपोश के नाम भी सामने आ सकते हैं जिनकी सरपरस्ती में इस पूरे साम्राज्य को चलाया जाता था। न केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा बल्कि गाजियाबाद की भी कई ऐसे इलाके हैं जहां से स्क्रैप का ठेका लेना या
सरिया चोरी करने का ये लोग काम किया करते थे। तो तीनों की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। पुलिस का प्रयास पूरी तरीके से तेज है और हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। एक तरफ इनकी गिरफ्तारी को लेकर टीमें बनाई गई हैं, दूसरी तरफ प्राधिकरण और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर इस बात की जांच की जा रही है कि कहां कहां इनकी प्रॉपर्टी है और कितनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा करने का अंदेशा है। जिस तरीके से 100 करोड़ रुपए की पहली कार्रवाई में संपत्ति जब्त की गई है, इसी